मस्कुलर सिस्टम अगर हम देखें तो मसल्स हमारा फ्लेश बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम ह्यूमन पर अबाउट 600 मसल, मोर देन 600 मसल। ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 600 या मोर देन 600 मसल्स पाए जाते हैं, और इन मसल से हमारा फ्लेश बनता है, हमारा गोश्त बनता है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनती है। जो इट फॉर्म बॉडी फ्लेश एंड डेवलप आउटर लुक। आपका जो बैरूनी लुक नजर आ रहा होता है, आपकी हड्डियां तो एक जितनी हैं, एक जैसी हैं, हड्डियों में कोई फर्क नहीं है, मगर उन हड्डियों के ऊपर लगने वाला जो गोश्त है या फ्लेश है या मसल्स हैं, उनकी वजह से हम खूबसूरत नजर आते हैं। ज्यादातर जो ब्यूटी होती है, खूबसूरती, हड्डियां तो सेम है हमारे ऊपर, मगर इन मसल्स के ऊपर गोश्त का लगना, फ्लेश का लगना या डेवलपमेंट ऑफ मसल्स के लिहाज से जो भी हमारी बॉडी के ऊपर चीजें डेवलप हो रही होती हैं, उस लिहाज से आपकी ब्यूटी शो होती है। किसी के गाल जो हैं बेहतर बने होते हैं तो वो ज्यादा खूबसूरत हैं, गाल चिपके हुए हैं तो वो खूबसूरत नहीं है। बॉडी के ऊपर मसल्स की जो डेवलपमेंट है, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अरेंजमेंट जो है, उस लिहाज से हमारी बॉडी के ऊपर जो है ब्यूटी, खूबसूरती या सजावट या हम कहें कि बेहतरी हमारी बॉडी के ऊपर आती है। असल में मसल्स जो हमारे पास काम करते हैं बेटा, वो काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। आप अपने बॉडी को मूव कराएं, अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाएं फुलाएं मूव कराएं, तो उनके लिए हमें मसल्स काम करते हैं। मसल्स जो वर्क करते हैं, मस्कुलर सिस्टम आर वी कैन से मसल वर्क इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए हमारा मस्कुलर सिस्टम वर्क करता है। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स जो हमारे वर्क करते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए। जैसे आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं या आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं इन मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। मसल्स कंट्रैक्शन, मसल्स कंट्रैक्शन, कंट्रेक्शन मसल कंट्रेक्शन पुल द मसल। मसल्स की जो कंट्रेक्शन है वो मसल्स को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि मसल्स जो है, सॉरी, पुल द बोन, मसल्स नहीं, पुल द मसल्स जब कंट्रैक्ट होती हैं तो दैट पुल द बोन्स। मसल्स जब कंट्रैक्ट होती हैं तो पुल करती हैं, बोन्स को खींचती हैं अपनी तरफ। मसल्स कैन पुल, मसल्स कैन पुल द बोन्स बट के नॉट पुश। मसल्स जो हैं किसी भी बोन को अपनी तरफ खींच तो सकती हैं, मगर उसी बोन को वापस धक्का नहीं दे सकती, वापस नहीं भेज सकती। उसके लिए अलग मसल्स पाई जाती हैं, एक खींचने के लिए होती हैं और दूसरी, मीन्स हर मसल अपनी तरफ ही खींच सकता है बोन को, बोन को वापस धक्का नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो साइज में डिक्रीज होते हैं। मसल्स कंट्रैक्शन में, कंट्रैक्शन रिजल्ट मसल डिक्रीज इन साइज, दैट पुल
बोन। तो मसल साइज में डिक्रीज हो सकते हैं, मसल साइज में डिक्रीज होने की वजह से बोन के ऊपर खिंचाव आता है, बोन के ऊपर जो है एक पुल क्रिएट होती है और बोन जो है इस तरीके से खिंचे हुए आते हैं या मूव करते हैं। तो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से बोन्स को खींचा जा सकता है, मगर बोन्स को वापस पुल नहीं किया जा सकता, वापस जो है पुश नहीं किया जा सकता, पुल किया जा सकता है। तो मसल्स कैन कंट्रैक्ट कैन पुल द बोन बट के नॉट पुश द बोन, बोन को जो है अपनी साइज के लिहाज से खींच सकते हैं मगर उसको वापस पुश पुल ये नहीं कर सकते। मसल्स के बेटा हमारे पास तीन टाइप्स हैं, मसल्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप, तीन मेन टाइप हैं इसके। एक है हमारे पास स्मूथ मसल, और दूसरे हैं हमारे पास कॉर्डियक मसल, और नंबर थर्ड पे हमारे पास स्केलेटल मसल। वन आर द स्मूथ मसल, एक है बेटा हमारे पास स्मूथ मसल, और दूसरे हैं कार्डियक मसल, और तीसरे हैं स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स हमारे जो बोन लेस ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे बोन्स नहीं है, जहाँ पे हड्डियाँ नहीं है, वहाँ पे पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वहाँ पे जहाँ पे बोन्स या हड्डियाँ अवेलेबल हैं वहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी होती है। तो पहले पहले हम आ रहे हैं स्मूथ मसल्स की तरफ। स्मूथ मसल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इनका दूसरा नाम है इनवॉलंट्री, इनवॉलंट्री अनएसोसिएटेड मसल। इनवॉलंट्री अनएसोसिएटेड मसल, इनवॉलेंट्री का मतलब ये है कि दैट इज नॉट इन योर ओन विश और इन योर कंट्रोल। तो ये ऐसे मसल्स हैं जो अल्टीमेटली खुद ब खुद काम करते रहते हैं, मीन्स ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं ये। के नॉट कंट्रोल ऑन योर ओन विश, आपकी मर्जी के मुताबिक ये कंट्रोल में नहीं आते, मीन्स इनको आप रोक नहीं सकते या इनसे ज्यादा काम आप नहीं करवा सकते। इनकी मर्जी है, जो इनको नेचर ने काम दिया है जिस तरीके से उसी तरीके से ही करेंगे ये। तो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, जैसे आपके डाइजेस्टर सिस्टम है, जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट हर, और जैसे आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। तो इन तमाम सिस्टम्स के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। इनके काम को ना ही आप ज्यादा कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, तो इनका जो काम है ऑटोमेटिकली काम चलता रहता है। और अनस्ट्रिएटेड का मतलब क्या है, अनस्ट्रिएटेड का मतलब है दे डू नॉट पजेस द स्ट्रिप। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स की स्पेशली, तो उनमें छोटे छोटे से स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, वो स्ट्रिप्स इनके अंदर अवेलेबल नहीं। स्ट्रिप्स कैसी होती है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये एक मसल है तो उसमें एक छोटा सा निशान पाया जाता है, इसमें स्ट्रिप पाए जाते हैं जिसमें ये प्रेजेंट हो वो स्ट्रिएटेड, जिसमें ये माइक्रोस्कोप पे जब हम माइक्रोस्कोप पे मसल्स का एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाए इसको हम स्ट्रिप कहते हैं। अगर ये स्ट्रिप्स नजर आए तो वो स्ट्रिएटेड है, अगर ये स्ट्रिप्स नजर नहीं आती तो वो अनस्ट्रिएटेड मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जो है अनस्ट्रिएटेड है, डू नॉट पजेस स्ट्रिप। तो
स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री अनएसोसिएटेड मसल्स हैं, और ये इनवॉलेंट्री हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, कैन नॉट कंट्रोल्ड ऑन योर विश, ये आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, इनकी मर्जी जो है उस लिहाज से ये काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली इनवॉलेंट्री अनएसोसिएटेड मसल्स हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, कैन नॉट कंट्रोल ऑन योर ओन विश, और ये अनएसोसिएटेड मसल्स हैं। अनएसोसिएटेड मसल्स का मतलब ये होता है कि जब इनके छोटे से पार्ट को हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो कोई स्ट्रिप हमें नजर नहीं आती, हल्की सी स्ट्रेटेड जो स्ट्रिप होती हैं वो नजर नहीं आती, तो इस वजह से इनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। अब कुछ और करेक्टर्स भी हैं कि स्मूथ मसल्स जो हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन इन बोनलेस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे तमाम जो बोनलेस ऑर्गन्स हैं, जो भी हैं, जहाँ पे हड्डी नहीं है, जहाँ पे बोन्स नहीं है, जहाँ पे हड्डियां या बोन्स नहीं होती वहां पे ये मसल्स पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स में दैट आर प्रेजेंट इन बोनलेस ऑर्गन्स, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब है वो हो गया, सर्क्यूलेटरी सिस्टम में हार्ट को छोड़कर, जैसे आपकी वेन हो गई, वेन्स हैं, आर्टरीज हो गए, एक्सेप्ट हार्ट, ये हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। तमाम वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया, तो वो तमाम पार्ट्स जहां पे जिस जगह पे बोन्स नहीं है, वो तमाम रीजन्स जहां पे बोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस पार्ट पे, उस जगह पे हमारे पास ये मसल्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को छोड़कर, बाकी आपकी तमाम वीन्स, बाकी आपकी तमाम आर्ट, तो स्मूथ मसल्स जो हैं हमारे बोनलेस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में, और उसके बाद जो हमारे पास, और जब हम स्मूथ मसल्स को बेटा हम स्टडी करते हैं तो ये यूनिन्यूक्लियोटिड हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं आर यूनि न्यूक्लियेटेड, इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो स्मूथ मसल्स के काम को आप ज्यादा तेज नहीं कर सकते या उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो हैं दैट आर ऑटोमेटिक, दैट वर्क ऑटोमेटिकली, दे आर नेचुरली, मीन्स दे हैव द सिस्टम टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, तो नेचुरल फंक्शन है उनके पास, वो नेचुरली अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते रहते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्मूथ मसल्स जो हैं बोनलेस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और ये खुद ब खुद कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, तो इनके वर्क को हम रोक नहीं सकते, कम नहीं कर सकते।
और नंबर टू पे हमारे पास है कार्डियक मसल्स हैं हमारे पास, कार्डियक मसल्स बेटा हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, दिल दिल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। हमारा जो हार्ट है ओनली दैट आर प्रेजेंट इन द हार्ट, प्रेजेंट इन हार्ट में पाए जाते हैं। और ये कार्डियक मसल्स जो है हमारे पास, इन कार्डियक मसल्स को अगर हम स्टडी करें तो इनका जो दूसरा नाम है वो भी ये है, आल्सो नोन एज इनवॉलंटरी स्ट्रिएटेड मसल्स है ये। हालांकि ये भी बोनलेस ऑर्गन में ही पाया जाता है, दिस इज प्रेजेंट इन द हार्ट, मगर फर्क क्या है इसकी, इस स्ट्रक्चर का फंक्शन है, फर्क है। मीन्स ये रिजेंबल करते हैं स्मूथ मसल्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉलंटरी मैकेनिज्म, और शेप या स्ट्रक्चर के लिहाज से दैट रिजेंबल विद द स्केलेटल मसल। इनवॉलंटरी के लिहाज से ये स्मूथ मसल्स के साथ रिजेंबल करते हैं, और उसके बाद उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये दूसरे मसल के लिहाज, तो ये इनवॉलंटरी ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी के लिहाज से ये रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल विद स्मूथ मसल। और ये वर्क करते हैं ऑटोमेटिकली, यू कैनॉट कंट्रोल योर हार्ट ऑन योर ओन विश। अगर ये होता तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपनी हार्ट को ज्यादा जोर से कंट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, या हार्ट बीट जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हार्ट बीट का जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ टिल डेथ, और ये ऑटो है। हार्ट जो दिल है हमारे पास, स्टार्ट वर्क बिफोर बर्थ टिल डेथ, जो हार्ट हमारे पास मौजूद है बेटा स्टार्ट वर्क करता है बिफोर बर्थ टिल डेथ। ये दिल का जो काम है हमारे पास, हार्ट जो हमारे पास वर्क करता है वो पैदा होने से पहले, जब माँ की कोख के अंदर बच्चा होता है, मदर बॉडी के अंदर छोटा सा बच्चा होता है, तो तब ये काम करना शुरू करते हैं और मरने तक ये अपना काम जारी रखते हैं। हार्ट ऑटोमेटिकली वर्क करती है तो इस वजह से इनवॉलंटरी। और अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए, इस क्रिएटेड का मतलब क्या है, इस क्रिएटेड मसल्स का मतलब ये है कि ये जब हम देखते हैं इस पजेस, इस ट्रिप इसके ऊपर हल्के हल्के निशानात पाए जाते हैं, इट पजेस इस ट्रिप इसके ऊपर जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप पे जब हम देखते हैं तो इनमें हम माइक्रोस्कोप पे जब हम देखते हैं तो इसके ऊपर हमें हल्के से स्ट्रिप नजर आते हैं इस तरीके से, दीज आर द स्ट्रिप। स्मूथ मसल्स में ये स्ट्रिप एब्सेंट होते हैं, तो इस वजह से उनको हम कहते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल। और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स में इनके ऊपर ये स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनके लिए हम कहते हैं कि दैट आर द स्ट्रिएटेड मसल्स। इनवॉलंटरी है और रिजेंबल विद द स्मूथ मसल्स करते हैं ये, इनवॉलंटरी के लिहाज से, और ये रिजेंबल करते हैं स्केलेटल मसल के साथ, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एवोल्यूशनरी लिंक है, दिस इज एवोल्यूशनरी लिंक इन बिटवीन स्मूथ
एंड स्केलेटल मसल। तो इस वजह से इसको नहीं हम स्मूथ मसल्स में रख सकते हैं, नहीं स्केलेटल में, क्योंकि एक कैरेक्टर स्मूथ के साथ रिजेंबल कर रहा है, एक स्केलेटल के साथ। तो इस वजह से स्मूथ मसल्स की तरह ये ऑटोमेटिक हैं, इनवॉलेंट्री हैं, और स्केलेटल मसल्स की तरह इनके ऊपर जो है स्ट्रेप्स की अवेलेबिलिटी है, इनके ऊपर जो है स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है या स्ट्रेप्स अवेलेबल है। एवोल्यूशनरी लिहाज से अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ये मसल्स स्मूथ के साथ रिजेंबल भी करते हैं और स्केलेटल मसल्स के साथ भी। अगर इसको हम देखें तो इनका जो सेल होता है, कार्डियक मसल्स का सेल जो है, सेल्स पजेस वन न्यूक्लियर या टू न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस होता है तो आप उसको नाम देते हैं मोनो न्यूक्लियेटेड, ज्यादा होते हैं दो होते हैं तो डाई या बाई न्यूक्लियेटेड। कौन से सेल? जो स्मूथ मसल्स हैं वो यूनि न्यूक्लियेटेड हैं या मोनो न्यूक्लियेटेड हैं, जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि इनका रेजेम्बलेंस स्केलेटल मसल्स के साथ भी है और स्मूथ के साथ, तो स्केलेटल मसल्स जो है मल्टी न्यूक्लियेटेड, उसमें ज्यादा है, मगर इनमें ज्यादा तो नहीं है, मगर दो न्यूक्लियस जरूर होते हैं। तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा या दो न्यूक्लियस होंगे, अगर एक न्यूक्लियस होगा तो उसको आप मोनो न्यूक्लियेटेड या यूनि न्यूक्लियेटेड कह सकते हैं, अगर ज्यादा दो न्यूक्लियस हैं तो डाई या बाई न्यूक्लियेटेड, अगर उससे ज्यादा है तो फिर उसके लिए हम मल्टी न्यूक्लियेटेड का वर्ड यूज करते हैं। तो हार्ट, दिल जो है बड़ा नाजुक है और वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और इस हार्ट के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के मसल्स हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये मसल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे पास मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं, इनकी आपस में रिजेम्बलेंस भी है और डिफरेंसिएशन, रिजेम्बलेंस ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है, और डिफरेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस भी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो हार्ट है हमारा, दिल दिल पाकिस्तान जो है हमारे पास, हार्ट के जो बाहर वाले आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ह्यूमन हार्ट, हार्ट की जो वाल होती है बेटा उसको आप नाम देते हैं कि वो कार्डियक मसल्स है। तो हार्ट के अंदर ये ह्यूमन हार्ट है, हार्ट के बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उस मेम्ब्रेन को आप नाम देते हैं कि दिस इज द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और इसके पास ह्यूमन हार्ट में दो आरटीएम होते हैं, अपर वन इज द आरटीएम एंड दिस इज आल्सो आरटीएम, और ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये राइट साइड है और ये बेटा लेफ्ट साइड है। तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑन टू पार्ट, वन इज द लेफ्ट एंड अदर इज द राइट साइड, या जो है दो अपर आरटीएम दो लोअर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चेंबर हैं, दो अपर आरटीएम दो लोअर वेंट्रिकल पाए जाते हैं। जो अपर आरटीएम है स्पेशली राइट आरटीएम है, अगर हम देखें कि राइट आरटीएम जो है ह्यूमन हार्ट के अंदर, राइट आरटीएम जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता अगर लॉकडाउन नहीं होता तो, मगर फिर भी आप देख लें ह्यूमन हार्ट के जो राइट आरटीएम है, राइट आरटीएम है, इस राइट आरटीएम की तरफ इस जगह पे दो बड़ी वेंस ओपन होती हैं इधर,
इस जगह पे, और इन वीन से बेटा क्या होता है, ब्लड आता है इस हार्ट के अंदर, और इन दोनों लार्ज वीन्स को हम वीने केवा कहते हैं। लार्ज वीन्स को कहा जाता है वीने केवा, वीने केवा। एक है इंफीरियर वीने केवा, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, हमारी हार्ट से नीचे वाले जो जो लिम्स हैं, आपकी किडनी है, ये इंफीरियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंफीरियर वेन केवा, और ये सुपीरियर या इंटीरियर वेन केवा भी कह सकते हैं। इसके लिए इंफीरियर या पोस्टीरियर वेन केवा का भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो लार्ज वेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। आप देखें इंफीरियर वेन केवा, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, मीन्स हार्ट से नीचे वाले जो भी पार्ट है उनसे ब्लड कलेक्ट करना इंफीरियर वेन केवा का काम है। और दूसरी होती है सुपीरियर वेन केवा, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, जो हमारे ऊपरी पार्ट हैं, मीन्स हार्ट के ऊपर आपके ब्रेन तक जो पार्ट हैं वहां से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाना, इसका काम है सुपीरियर वेने। मीन्स ऊपर से जो भी ब्लड कलेक्ट होगा वो सुपीरियर वेने केवा में गिरेगा। सुपीरियर वेने का फिर जो है किसके अंदर ओपन होती है, हार्ट के अंदर, इस जगह पे। अब हम चूंके हम इन वेन्स को नहीं पढ़ रहे इस जगह पे, हमें पढ़ना है कि हार्ट हमारा काम कैसे करता है, हमारे स्केलेटल मसल्स वर्क कैसे करते हैं, सॉरी स्मूथ कार्डियक मसल। हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर जो है दो दो जो है स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इस जगह पे, अंदर ही अंदर हार्ट के अंदर इस जगह पे एक पॉइंट पाई जाती है, दैट नोन एज एसेनोड, और दूसरी इस जगह पे स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा, दिस इज नोन एज, इस पॉइंट पे एवी नोड है। ऐसे नोड का मतलब है साइनो आर्टियल नोड। जब हार्ट राइट आर्टियम ब्लड से भर जाता है, तो राइट आर्टियम के अंदर ब्लड भरने की वजह से ऐसे नोड पे सेंसेशन होती है, क्योंकि ऐसे नोड इज नोन एज पेसर, साइनो आर्टियल नोड कहते हैं सुल्तान, साइनो आर्टरियल नोड, दिस इज नोन एज पेस मेकर, पेस मेकर, पेसर या पेस मेकर इसको हम कहते हैं। पेसर या पेस मेकर का मतलब ये है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्साइट योर हार्ट फॉर द ब्लड हार्ट बीट। तो हार्ट बीट के प्रोसेस को एक्साइट करना, हार्ट बीट कंट्रैक्ट और रिलैक्स, मीन्स आप पेसर का मतलब है कंट्रोल रिदमिक कंट्रेक्शन ऑफ हार्ट, और हार्ट बीट हमारे पास जो रिदमिक कंट्रैक्ट करती है वो है 72 टाइम पर मिनट में, पर मिनट में मीन्स 60 सेकेंड में। अब आप एक हार्ट बीट भी मालूम कर सकते हैं कि एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है, एक हार्ट बीट में 60 डिवाइड बाय 72 करें आप तो राउंड अबाउट 0.83 सेकेंड में आपको एक बीट मिलता है, एक हार्ट बीट, एक हार्ट बीट 60 डिवाइड बाय 72 करें तो 0.83 सेकेंड में एक हार्ट बीट होता है आपका। और ये 0.83 सेकेंड कौन मेंटेन करा रहा है कि भाई यार 0.83 सेकेंड या 0.8 सेकेंड के अंदर भी हमारी हार्ट बीट करे, तो ये कौन मेंटेन कर रहा है, एस ए नोड,
साइनो आर्टियल नोड, क्योंकि हमारे पास हार्ट में वो मायोजेनिक हार्ट है, हमारे मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं, मायोजेनिक हार्ट है बेटा हमारे पास, हार्ट कंट्रोल्ड बाय मसल्स, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल से बनी है। तो इस तरीके से हार्ट के अंदर जैसे ही ब्लड भरता है तो ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है और हार्ट कंट्रैक्ट होता है। हार्ट जब दोनों कंट्रैक्ट होते हैं तो हार्ट की कंट्रैक्शन को हम नाम देते हैं सिस्टोल। जब हार्ट के मसल कंट्रैक्ट होते हैं, हार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, इस वजह से ये मित्रम बता रहा हूं। जब सिस्टोल मीन कार्डियक कंट्रेक्शन, जब हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, उसके चैम्बर कोलैप्स होते हैं, तो उसको सिस्टोल कहा जाता है। और जब वो रिलैक्स होते हैं बेटा, उसको हम डायस्टोल कहते हैं। हार्ट का कंट्रैक्ट होना, हार्ट का रिलैक्स होना, कंट्रैक्ट होने वाले प्रोसेस को हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्स होने वाले प्रोसेस को हम डायस्टोल कहते हैं। जैसे ही दोनों हार्ट के ये दोनों सिस्टोल में जाएंगे तो ब्लड जो है कंट्रैक्ट होकर कहाँ जाएगा, मूव करेगा फ्रॉम, ये दोनों जब सिस्टोल में जाएंगे, दोनों आरटीएम बेटा सिस्टोल में होंगे तो दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे। जब दोनों आरटीएम सिस्टोल में होंगे तो दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे। आरटीएम सिस्टोल और डायस्टोल वाली कंडीशन इस तरीके से होती है। डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट है, अगर हार्ट के कुछ पार्ट सिस्टोल में है तो दूसरे पार्ट डायस्टोल वाली कंडीशन में होते हैं। तो हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एक और स्थिति है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, या जो है मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसके अंदर ये हार्ट का पूरा एक टॉपिक भी आपके लिए मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बने बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा अनम्यूट करें, किसने रेज हैंड किया है, अनम्यूट करें, जैसे क्वेश्चन है वो अनम्यूट करें, जिसको क्वेश्चन है वो अनम्यूट करें और पूछें, या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं आप।